हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो, मैं हूँ डॉली और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज के वीडियो में ना मैं आपको दो प्लास्टर के बारे में डिफरेंस बताने वाली हूँ। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, तो आज का कोई फैशन वीडियो नहीं है, कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, इसलिए मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, सिंपल सा बस मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया है। तो मेरे पैरों में, जैसे कि आपको पता होगा कि प्लास्टर लगा हुआ था, दोनों पैरों में था, तो दोनों पैरों में जो प्लास्टर था ना वो काफ़ी लंबा चला, मेरा 2.5 महीने चला। तो मुझे जो प्लास्टर का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो प्लास्टर के डिफरेंसेस के बारे में, तो आज का वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मेरे पैरों में ना ये दोनों टाइप के जो प्लास्टर्स हैं ना वो लगाए हैं मैंने, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जो भी मैंने एज अ पेशेंट एक्सपीरियंस किया है इन दोनों प्लास्टर में वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फाइबर ग्लास प्लास्टर ना कटता कैसे है, खुलता कैसे है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट बात करूँगी मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो कि मेरे पैरों में लगा हुआ था। सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे यही एडवाइस किया था और ये 1.5 महीने तक मेरे पैर में लगा हुआ था। और ये वाला जो प्लास्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है, इसका वेट बहुत ही ज़्यादा रहता है, ये बिल्कुल भी एरी नहीं रहता है। मतलब अगर आपको कहीं इचिंग हो रही है ना तो आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, और ये इचिंग पैदा करता ही है, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है हमें प्लास्टर लगने के बाद, और इससे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और इसका कोई इलाज नहीं है। और इसको हम पानी में कहीं, मतलब पैर नहीं रख सकते, क्योंकि पानी में अगर पैर रखोगे इस प्लास्टर से तो ये ख़राब हो जाएगा। इसमें जो है एक्सरे रेज जो है वो पेनिट्रेट इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती है, मतलब नहीं के बराबर जो है इसमें एक्सरे अगर आपको देखना है बाहर से कि अब जो बोन की हालत क्या है, तो इस प्लास्टर में आप नहीं देख सकते हो। इसका जो, अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम रहती है, क्योंकि ये बेसिक प्लास्टर है, और हम अगर कहीं भी जाएंगे सबसे पहले जो है डॉक्टर हमें यही एडवाइस करते हैं। इस वाले प्लास्टर से ना हम वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब जाते हैं सेकंड प्लास्टर की तरफ, जो कि है फाइबर ग्लास प्लास्टर। ये वाला प्लास्टर भी, मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर है वो मेरे पैरों में 1.5 महीने था, और उसके बाद जो है फाइबर ग्लास प्लास्टर मैंने लगवाया था। ये मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था, या फिर उन्होंने बोला था कि आप फिर से वो वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला भी लगा सकते हो, बट 1.5 महीने से मैं वो प्लास्टर का जो वज़न है और जो इचीनेस है वो सहन करके, मेरा जो लेवल है सहन करने का वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं फ़ाइबर ग्लास प्लास्टर लगाऊंगी। तो फाइबर ग्लास प्लास्टर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहता है, मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर है वो तो टाइट रहता ही है, बट एक टाइम के बाद जब हमारे पैरों की स्वेलिंग जो है कम होती है ना, तो वो प्लास्टर थोड़ा सा लूज हमें लगने लगता है, बट फाइबर ग्लास में ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है। और ये वाला प्लास्टर ना एयरी रहता है, मतलब ये मेरे पैरों में 1 महीना था, बट मुझे बिल्कुल भी इचिंगनेस इसमें नहीं हो रही थी। इसमें ना डॉक्टर पहले स्टॉकिंग पहनाते हैं, उसके बाद एक कॉटन की लेयर करते हैं, और उसके बाद ये ब्लू कलर का जो प्लास्टर है, काफ़ी सारे कलर्स भी आते हैं उसमें, तो ये वाला प्लास्टर जो है वो लगाते हैं पैरों में, और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ईजीली ये लग जाता है। और इसको हम, मतलब वॉशरूम वगैरह भी जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से ये पूरा प्लास्टिक रहता है, तो ये गीला बाहर से अगर होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर पानी अंदर गया तो अंदर जो कॉटन और स्टॉकिंग है उससे प्लास्टर ख़राब हो सकता है। और इसमें ना एक्सरे रेज जो है वो पेनिट्रेट मतलब ईजिली हो जाती है, अगर आपको देखना है कि आपका जो बोन है वो जुड़ा है अच्छे तरीके से या नहीं जुड़ा है, तो इस वाले प्लास्टर से हम लोग एक बार देख सकते हैं, प्लास्टर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले प्लास्टर का जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर है उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों की प्राइस में। तो बात यह है कि दोनों ही प्लास्टर जो है वो वैसे तो आपके बोन्स को जॉइंट ही करने वाले हैं, बट ये वाला जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो प्लास्टर है वो काफ़ी हैवी रहता है, और जो फाइबर ग्लास प्लास्टर है उसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का भी रहता है वेट में, मतलब इससे हम लोग चल भी सकते हैं ईजीली। तो मैं तो वो वाला जब मुझे प्लास्टर लगा था तो वॉकर्स यूज़ करके मैं चलती थी, क्योंकि उसका वेट काफ़ी कम था, तो मुझे ये वाला प्लास्टर पर्सनली अच्छा लगा। वैसे दोनों प्लास्टर का यूज़ सेम है, आपकी बोन्स को जॉइंट करेगा, बस बात आ जाती है इसमें कि हमें कितना पे करना है।
तो होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ना मतलब जो प्लास्टर कट कैसे होता है उस पर भी वीडियो देखना है, तो मैंने जो वीडियो है वो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल में अपलोड है वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।